हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ओरिगेनो मलाई ब्रेड। यह स्वादिष्ट होते हैं, यह जितने स्वादिष्ट होते हैं इसे बनाना उतना ही आसान होता है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मलाई। यह जो मलाई है यह कल की है, इसे फ्रीज में रख दिया था। और वह जो मलाई है यह है आज की। तो आज हम कम से कम 15 मलाई ब्रेड बनाने वाले हैं, तो इसलिए आज का मलाई पर्याप्त नहीं होता। तो हम दोनों मलाई लिए हैं और साथ में हमने एक बड़े साइज का टमाटर को बारीक काट लिया है और एक प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो यहाँ हरी मिर्च भी बारीक काट के ले सकते हैं। और हमने एक बाउल लिया है, इसमें हमने डाल दिए कटे हुए टमाटर और अब हम डाल देंगे कटे हुए प्याज और अब हम इसमें मलाई भी डाल देंगे। हम दोनों मलाई डाल देंगे। अब हम हल्के टेस्ट में नमक डालेंगे क्योंकि ब्रेड में नमक होता है। और यहाँ हमने ओरिगेनो लिया है तो 1 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो डाल देंगे। अब हम इसे मिलाएंगे, मलाई को फेंट लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं मलाई टूट गए हैं, घुल गए हैं। अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही है तो इसे गाढ़ा करने के लिए हमने एक बड़े साइज के टमाटर को काट लिया है और मीडियम साइज के प्याज को एक काट लिया है। बारीक काटना है तो बारीक हमने काट के इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ता, पर अभी इसका सीजन नहीं है तो हमने इसमें प्याज और टमाटर डाला है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, प्याज और टमाटर से भी यह मज़े की बनती है। तो अब हमने एक ब्रेड ले लिया है, 1 चम्मच इस पर हम स्प्रेड करेंगे। चाहे तो इस मिश्रण को और लेकर इस पर फैला सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। मुझे इतना ही पसंद है। इसे अब हम तवा पे रखेंगे, तो इसे हम पलट कर आराम से रखेंगे और हल्के हाथों से दाब देंगे। रखने के बाद तवा हमारा मीडियम गर्म है, रखने के बाद हमें हल्के हाथों से दाब देना है। अब दूसरे ब्रेड स्लाइस पर भी हम इस मिश्रण को फैलाएंगे, इसे भी हम तवा पे रख देंगे। रखने के बाद हमें इसे भी हल्के हाथों से दाब देना है। फ्लेम हमारा लो है, इसे हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तो बीच बीच में हम इसे स्पैचुला से दाब दाब के इस तरह से सेक लेंगे और करीब 2-3 मिनट बाद हम इसे पलट कर देखेंगे। जब यह गोल्डन हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे। तो हमने इसे पलट लिया है और इसे भी हम थोड़ा सा दाब दिया और दूसरे वाले स्लाइस को भी हमने पलट लिया है। जब हम पलटेंगे तो फ्लेम को हल्का सा बढ़ा लेंगे, मतलब हमारा फ्लेम अभी भी मीडियम से लो पर है। और दूसरी तरफ इसे खुद ब खुद सीखने देंगे, बार बार स्पैचुला से दाबने की ज़रूरत नहीं है। 10-12 सेकेंड बाद फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। तो 2-3 मिनट बाद यह करारे हो जाएंगे, गोल्डन भी हो जाएंगे। इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ओरिगेनो को ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो ओरिगेनो को आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना स्प्रिंकल कर लें। अब हम ले लेंगे अपनी पसंद के अनुसार कोई भी चटनी, हरी चटनी ले सकते हैं या टमेटो सॉस ले सकते हैं। यहाँ हमने टोमेटो सॉस लिया है। और इस तरह से हमारा ओरिगेनो मलाई ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जैसे बारिश में मौसम बदल जाता है वैसे हमारा मन भी बदल जाता है। हमारा मन रोज के खानों से हटकर कुछ अलग खाने का होता है। तो ऐसे में बच्चों ने कहा है कि आज बार डिनर में रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, उसके लिए मलाई ब्रेड बना दो। तो मैंने मलाई ब्रेड बना दिया और बच्चों ने बड़े मन से खा लिया। तो अब हम दूसरी रेसिपी की बात करते हैं। अब हमारी दूसरी रेसिपी है कॉर्न चीज़ी कटोरी। इसे बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस को कटोरी की मदद से गोल काटें, फिर गोल कटी हुई 3 स्लाइसेस लें और इनके बीच के हिस्से को और कटोरी की मदद से गोल काट लें ताकि जब इनके बीच का हिस्सा कटे तो यह रिंग की तरह नज़र आए। ब्रेड के टुकड़ों को तवे पर मक्खन लगाकर सेक लें। अब बॉल में उबले हुए मकई के दाने, शिमला मिर्च, गाजर, बारीक कटा खीरा, प्याज, टमाटर में लाल मिर्च, ओरिगेनो, टमाटर सॉस, चीज़, हरा धनिया, चाट मसाला और नमक डालकर मिलाएं। फिर गोल ब्रेड पर चीज़ स्प्रेड कर या मोइनीज लगाएं और इस पर ब्रेड की रिंग रखें। इस तरह तैयार कटोरी में सब्जियों का मिश्रण भरें। शेष स्लाइसेस को में भी इसी तरह भरवान भरकर तैयार कर लें। ऊपर से चीज़ डालकर इसे बेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह कॉर्न चीज़ी कटोरी तैयार हो जाएगी। ये तो हो गई रेसिपी की बातें, अब हम करते हैं स्वास्थ्य की बातें। घर में रहने से हम हर समय किसी न किसी स्क्रीन पर डटे रहते हैं, या हम टीवी देख रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, या फिर हम मोबाइल में आँखें गराए होते हैं। तो इससे हमारी आँखें प्रभावित होती है। हमें बीच बीच में अपनी आँखों को आराम देना चाहिए। 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद हमें 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को आराम देना चाहिए। आँखों की थकान उतारने के लिए हम आंखें बंद करके उस पर खीरे का
टुकड़ा रख सकते हैं, या आंखों को हाइड्रेट रखने के लिए टिश्यू पेपर को हम गुलाब जल से गीला करके अपनी आंखों पर रख सकते हैं, इससे हमारी आंखें हाइड्रेट रहेगी। और हाँ, हम त्राटक भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ना त्राटक क्या होता है? अपनी अंगूठों को आप आगे पीछे इस तरह से देखते रहें, हाथ अंगूठा को धीरे से अपनी तरफ करें और फिर धीरे धीरे दूर ले जाएं और इसे लगातार एकटक से देखते रहें। यह भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है आँखों के लिए। अब एक रोचक बात है, एक आम की कीमत 21,000। यह सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा पर यह सच है। दुनिया में सबसे महंगा आम का पेड़ जापान में है। इसी नस्ल का एक आम का पेड़ पूर्णिया में है। वह एक लौता पेड़ है और यह 25 साल से है। इसके एक आम की कीमत 21,000 है। तो यह है ना एक दिलचस्प खबर। अब चलते चलते एक सुविचार, उठो जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।